ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए बनाया गया है। ये वीडियो किसी भी तरह का इलीगल ऑफेंसिव को प्रमोट नहीं करता है, तो वीडियो देख के भड़क मत जाना। और अगर वीडियो को डिसलाइक ही मारना है तो पहले वीडियो को पूरा देख लेना और उसके बाद एक मिनट सोचना, फिर अगर तुम्हें लगे कि मैंने कुछ गलत बोला है तो वीडियो को डिसलाइक कर सकते हो। और अगर तुम लोग उस कैटेगरी के बंदे हो जो आकर के सिर्फ वीडियो को डिसलाइक मारने के लिए आए हो बिना देखे स्टार्टिंग का सिर्फ एक मिनट देखकर, तो उन लोग के लिए मैं एक ही बात बोलूंगा, निकल लौड़े पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी, पहली फुर्सत में भोसड़ी के निकल। तो आओ यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हेलो एंड वेलकम ओटाकूज, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं गेमिंग ओटाकू यूट्यूब चैनल गाइस। तो भैया आज हम लोग बात करने वाले मेरे उस गलती को करने की, जिसे करने के बाद मैं साला खुद सोच रहा था, इसे साला बार बार मना करने के बावजूद मैंने कैसे देख लिया। इसने टच किया उसको मदरचोद, वहीं रुक साले में यार। मरना है क्या भोसड़ी के, मरना तेरे को डर नहीं लगता? अरे मेरी जान निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। तुम लोग जैसे सोच रहे हो वैसा नहीं है, मैं इस चूतिया की तरह नहीं हूँ जो टिकटॉक को यूट्यूब से कंपेयर कर दूं और खुद की गांड खुद ही मार लूं। अरे कहना क्या चाहते हो? तो मैं बात कर रहा हूँ अटैक ऑन टाइटन के लाइव एक्शन मूवी को देखने की। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तो भैया देखो, इस मूवी को देखने के बाद ना मुझे पक्का विश्वास हो गया, इस दुनिया में तीन तरह के लेजेंड पाए जाते हैं। पहला तो वो जिसने इस मूवी को बनाया, साला मूवी देख के ही लगता है जाके उसके ऊपर उल्टी कर दूं। और दूसरा तो वो चूतिया जो इस मूवी को देखने के बाद बोले मूवी इज सच अ मास्टरपीस, इसका सेकंड पार्ट कब आएगा मुझसे इंतजार ही नहीं हो रहा। और तीसरे की तो मैं बात ही क्या करूं, इनको तो मैं लेजेंड चूतिया बोलना ज्यादा पसंद करूंगा, क्योंकि साला ये मूवी को एक बार नहीं दो बार देखते हैं, दो बार कम हो गए शायद, ये साला 10 बार, मतलब उस मूवी को गाली देने के लिए उसे बार बार देखते हैं। और हाँ, इतने से ही उनका मन नहीं भरता, उसके बाद वो फिर बैठ के मेरी तरह उसके ऊपर वीडियो बनाते हैं। मैं इस मूवी के स्टोरी के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं इस मूवी के जो राइटर हैं उन्हें मैं जरूर बोलना चाहूंगा, सर प्लीज यार गांजा फूंक के मत लिखा करो स्टोरी। तो आओ यार अब बात करते हैं मूवी के उस सीन की, जिसे देखने के बाद ना मैं सिर्फ एक ही बात बोलूंगा, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। इस सीन के तो मैं बात ही क्या करूं, इस सीन में तो साला पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया है। जहां पर अगर हम लोग एनिमे से कंपेयर करें तो एनिमे में जहां पर एरन की मॉम को टाइटन उठा के खा जाता है, जिसके बाद एरन कसम खाता कि मैं इस टाइटन की एक ना एक दिन गांड जरूर मारूंगा। बट बात करें मूवी की तो मूवी में ऐसा कुछ भी सीन नहीं है, क्योंकि मूवी में सीधा टाइटन उठा के मिकासा को खाता है और उसे देख करके एरन जो हमारा हीरो है वो सीधा चिल्लाता रहता है, चल भोसड़ी के। आओ यार अब बात करते हैं मूवी के कुछ कैरेक्टर्स की। एरन येगर, हाँ हाँ मुझे पता है, ये सिर्फ नाम ही एरन येगर रख सकता है, क्योंकि उसके जैसा मिलता जुलता 1% भी इसने काम नहीं किया पूरे मूवी में। क्योंकि यार जहाँ अगर एनिमे की बात करें तो एरन येगर जहाँ टाइटन के पीछे पड़ा हुआ रहता है, इसको साला मिकासा से फुर्सत नहीं मिलता, क्योंकि साला मिकासा 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 ही करता रहता पूरे मूवी में। अब आते हैं मेरे फेवरेट कैरेक्टर पे, आर्मिन। यार सही बताऊं मूवी में साला इसको रोले नहीं दिया गया, मेरा मूड खराब हो गया जिसे देख के, क्योंकि यार ये मेरा फेवरेट कैरेक्टर है एनिमे का, और इसको रोल नहीं दे करके ना, मतलब है ऐसा बात नहीं है मूवी में है, लेकिन ये है नहीं है एक ही समान है, क्योंकि यार एनिमे में जहाँ पर इसने जैसे जैसे काम किए अपने ब्रेन पावर से, इंटेलिजेंट है ये बंदा, साला इसमें तो कुछ नहीं करता, ये सिर्फ मतलब इसको रखा गया सिर्फ ऐसे शोपीस के लिए कि नहीं भैया ये है आर्मिन, उसको रोल दिया गया है उसकी जगह पे। मूवी में जैसा इसका रोल दिया गया उसे देख करके मैं एक ही बात बोलूँगा, इसको टाइटन से खिलवा देते तो और अच्छा रहता, और इसका पुतला बना के म्यूजियम में रख देते। अब आते हैं इस मूवी के मेन फीमेल कैरेक्टर की।
हाँ हाँ मैं बात करूँ मिकासा की, जिसे देख करके बीस्ट बॉय सब भी बोलता है। अब ये एनिमे में ज्यादातर दो रीजन के लिए देखता हूँ बस, सबसे पहला खतरनाक टाइटन्स, सेकंड मिकासा। हाय क्या लड़की है यार। और मूवी वालों ने क्या किया, इसके रोल को ही पूरा का पूरा कचरा कर दिया, क्योंकि ये जानते हो मूवी में एक ही बंदे से चिपकी होती है। अब तुम लोग बोलने मत लग जाना इसमें गलत क्या है, क्योंकि एनिमे में भी तो वो एरन के साथ चिपकी होती है, लेकिन यार मैं कुछ नहीं बोलता अगर वो एरन के साथ चिपकी होती, लेकिन यार ऐसा नहीं है, पूरे मूवी में वो डुप्लीकेट के पीछे पड़ी हुई है। डुप्लीकेट? अरे तुम लोग को नहीं पता, अरे वो अपना सस्ता लिवाई। व्हाट, इसमें लिवाई नहीं है तो ये कौन है? तो फिर ये मूवी में क्या कर रहा? मूवी में कुछ करे ना करे लेकिन ये कर बहुत चुका है, तुम लोग को नहीं पता, चलो मैं ही बता देता हूँ। मूवी के एक सीन में ये दोनों कुछ कर रहे होते हैं, मतलब मिकासा और ये, तो और अगर फिर भी तुम लोग नहीं समझे मैं क्लिप नहीं दिखाने वाला, क्योंकि मुझे मेरे चैनल में 18 प्लस का ठप्पा नहीं लगवाना, तो तुम लोग समझदार हो। और अगर नहीं समझे तो एक ही बात बोलूँगा, जा करके हंगामा चैनल लगाओ, और अभी भी सिंचन आता है, और सिंचन से जाके थोड़ा बहुत हरामी पने के टिप्स लेके आओ, फिर समझ जाओगे। तो छोड़ो आगे बढ़ते हैं, इन दोनों को देखने के बाद हमारे एरन की तो नींद हराम हो जाती है। एरन की ये हालत एक लड़की से देखी नहीं जाती, और वो आकर के एरन से ये कहती है, तेरे बच्चे के बाप बनेगा क्या? अब देखो यार, इन दोनों को देख करके ना टाइटन पीछे से कहीं से आ जाता, और वो इस लड़की को खींच लेता, और वो फिर बोलता है उसका छोटा है इसलिए मिकासा छोड़ के भागे, आ मैं तेरे बच्चे का बाप बनता हूँ। अब गाइज इसके अलावा मूवी में सासा का भी कैरेक्टर बहुत कम दिखाया गया है, उसकी बात हम लोग कभी और करेंगे, और इस वीडियो को भी यहीं तक रखते हैं, मतलब रोस्टिंग यहीं तक रखते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर ज़रूर कर देना, और अगर वीडियो नहीं अच्छा लगा तो अनलाइक कर देना। और हाँ गाइज, इस वीडियो का सेकेंड पार्ट भी आएगा हमारे 100 सब्सक्राइबर के बाद, और वीडियो को शेयर ज़रूर करना, और जो है अगर वीडियो को अनलाइक कर रहे हो तो कमेंट में रीज़न ज़रूर बता देना, मैं हर कमेंट पढ़ूंगा, क्योंकि हमारे हम इतने बड़े भी अमीर नहीं हुए, सब्सक्राइबर इतने नहीं हैं कि इग्नोर कर दे। और चिंता मत करो गाइस, अगर हम कभी अमीर भी होते हैं, मतलब सब्सक्राइबर अगर हमारे ज़्यादा भी होते हैं, तो फिर भी कमेंट इग्नोर नहीं किया जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट वीक एक और नया एनिमे का रोस्ट लेकर के आऊँगा, तो यार इसलिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलना, तो अभी के लिए यहीं तक रहने देते हैं, बाय।